Now, let us understand what is the lossless compression. A lossless compression compresses the data in such a way that when data is decompressed, it is exactly the same as it was before compression. So there is a no loss of data. Means loss or less. जहां पर loss नहीं हो रहा हो या loss हमारा कम हो रहा हो, then we say it's a lossless compression. So lossless compression is used to compress file data such as executable code जो हमारा है, text files है, numeric data है, because programs that process such file data cannot tolerate mistakes in the data. मतलब उसमें कहीं कोई मिस्टेक अगर होती है, that cannot be tolerated क्योंकि हमारा डेटा गड़बड़ हो जाएगा. So lossless compression will typically not compress file as much as lossy compression technique and may take more processing power to accomplish the compression. So jo lossless compression hai, it may take some extra processing power also for compressing. So lossless compression technique algorithms ki hum jab baat kare to ek algorithm hota hai repetitive sequence compression. रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑपरेशन में क्या होता है कि जो बिट्स हमारी रिपीट हो रही है, जो कैरेक्टर हमारा रिपीट हो रहा है, हम उसको किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में कोशिश करेंगे लिखने की. फॉर एग्जांपल, इफ इन अ सीक्वेंस ऑफ अ सीरीज ऑन एन सक्सेसिव टोकन्स अपीयर्स, देन वी कैन रिप्लेस दिस विद अ टोकन एंड अ काउंट नंबर ऑफ अकरेंसेस. वी यूजुअली नीड टू हैव अ स्पेशल फ्लैग टू डिनोट when the repeated token appears. आपने देखा होगा माइक्रोप्रोसेसर में हमारे पास जीरो फ्लैग होता है. तो जीरो फ्लैग में क्या होता है कि जैसे ही जीरो बिट्स कहीं आती है तो वो एक्टिव हो जाता है, इनेबल हो जाता है. तो इसमें हमारे पास एग्जाम्पल हमने लिया कि सपोज हमारे पास 8, 9, 4 और इतने सारे जीरो लगे हुए हैं, 32 जीरो लगे हुए हैं यहाँ पे. सो दिस कैन बी रिप्लेस यूजिंग दिस फ्लैग फॉर जीरो, वेयर एफ इज द फ्लैग फॉर जीरो. हम क्या लिखेंगे, 894 एफ मीन्स फ्लैग हो गया, जीरो फ्लैग को हमने इनेबल किया है तो एफ लिख दिया अपन ने, और वहां लिख दिया हमने 32. मीन्स जीरो फ्लैग के साथ हमने 32 लिख दिया, मीन्स देयर आर 32 जीरोस दैट कैन बी इनेबल्ड. तो जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो ये जो इतनी बड़ी बिट या इतनी बड़ी जो बाइट या इतना बड़ा जो हमारा सेट हो रहा था, इट कैन बी रिड्यूस टू 3 और 2 5 6 बिट्स. 6 बिट्स में हमने इसको कंप्रेस कर दिया, जहां मेरे पास 32, 33, 34, 35 कैरेक्टर्स हो रहे थे, इनको हमने 6 कैरेक्टर्स में कंप्रेस कर दिया. सो दिस कंप्रेशन सेविंग डिपेंड्स ऑन द कंटेंट ऑफ द डेटा. तो ये जो कंप्रेशन टेक्निक है या कंप्रेशन है, इट डिपेंड्स कि हमारे पास डेटा कौन सा है. नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस सिंपल कंप्रेशन टेक्निक इंक्लूड्स जीरो लेंथ कंप्रेशन. तो जहां हमारे पास ऑडियो डेटा की अगर हम बात करें तो ऑडियो डेटा में कहीं ना कहीं एक पॉज आता है, मतलब कहीं आवाज ही नहीं आ रही है. साइलेंस इन ऑडियो डेटा, पॉज इन द कन्वर्जेशन, कहीं हम बात कर रहे हैं तो उसमें पॉज आ गया है, वो वहां पे जो जीरो कहीं ना कहीं जीरो आ गया है, तो हम उसको यूज करेंगे और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे. बिटमैप्स में ब्लैंक्स इन अ टेक्स्ट और प्रोग्राम सोर्स फाइल, जहां जहां ब्लैंक स्पेस हमने दे दिए हैं कंटेंट्स में, या जब हम सोर्स फाइल को कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो जहां जहां हमने ब्लैंक स्पेस दे दी है, उन सब को वो क्या करेगा, जीरो में ही काउंट करता है. तो जीरो में काउंट करता है तो वो जीरो फ्लैग को यूज करके उस डेटा को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा. सो बैकग्राउंड इन द इमेजेस, अगर कहीं हमारे पास ट्रांसपेरेंट या व्हाइट बैकग्राउंड हमने यूज किया है, मीन्स कोई बैकग्राउंड नहीं है, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है, देन इट ऑल्सो कंटेन्स जीरो इमेज फिगर, जीरो डेटा. सो उन चीजों को हम यहाँ पे यूज करेंगे. और सम अदर रेगुलर इमेज और डेटा टोकन्स, कहीं जो और अदर या कुछ कॉमन जहाँ पे जीरो बिट्स या जीरो बिट का यूज हो रहा है, देन वहां पे हम इसको यूज करके अ सिंपल और वेरी फास्ट कंप्रेशन कर सकते हैं. देन सेकंड एक एल्गोरिथम है, दैट इज अ रन लेंथ एनकोडिंग. रन लेंथ एनकोडिंग में क्या होता है, दिस मेथड रिप्लेस द कंसेक्यूटिव अकरेंसेस ऑफ गिवन सिंबल विथ ओनली वन कॉपी ऑफ द सिंबल along with a count of how many times that symbol occurs. मतलब अगर एक सिंबल, जैसे अभी हमने बात करी 8, 9, 6, 2, 32 बार जीरो,
तो हम क्या करेंगे 8962032 लिख देंगे, मतलब हमें मालूम है कि जीरो जो है मेरा 32 बार आ रहा है या वन मेरा 32 बार आ रहा है, देन वी रन लेंथ एनकोडिंग इसको बोलते हैं। सो दिस मेथड इज फ्रिक्वेंटली अप्लाइड टू इमेजेस, बेसिकली हम इसको इमेजेस में ज्यादा यूज करते हैं, और इट इज अ स्मॉल कंप्रेशन कंपोनेंट यूज इन जेपीजी कंप्रेशन। जब हम जेपीजी फॉर्मेट अभी हम जो पढ़ेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट फाइल फॉर्मेट स्टैंडर्ड्स हैं, जेपीजी क्या है, टिफ क्या है, एमआईडीआई क्या है, उसमें हम देखेंगे व्हाट इज जेपीजी। तो जेपीजी कंप्रेशन में इसको जनरली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, या फॉर इंस्टेंस हमने बात करी कि अगर सिक्वेंस ऑफ इमेज कंटेंट्स x1 x2 x3 मैप्ड विद अ पेयर c1 l1 c1 l2 वेयर ci रिप्रेजेंट द इमेज इंटेंसिटी ऑफ द कलर एंड li इज अ लेंथ ऑफ द इमेज और ith रन ऑफ द पिक्सल, देन वी कैन यूज दिस टाइप ऑफ कंप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ देखें, अगर कोई सिक्वेंस हमारे पास है 4 बार 1 है, देन 2 है, फिर 3 है, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, देन वी कैन एनकोड एज अ सेट कि 1 4 times 2 3 times 3 6 times 1 4 times 2 4 times, ऐसे एक सेट बना के हम उसको एनकोडेड कर सकते हैं। या फिर हम एक एग्जाम्पल कोई स्ट्रिंग की बात करें, फॉर जैसे स्ट्रिंग हमारे पास है AABBCCDDD करके, देन वी कैन यूज दिस एस 3 times A, मतलब 3 बार हमारा ए यूज हो रहा है, 2 times B, 2 बार हमारा बी यूज हो रहा है, 1 times C, तो 1 times C। जबकि अब देखो यहाँ पे अगर हमने 1 times C लिखा है तो हमारे लिए तो 1 bit एक्स्ट्रा ही लग गई, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे कंप्रेशन यूज कर रहे हैं तो अब मुझे 1 times C का कोडिंग करनी पड़ेगी, और 4 times D, तो 4 times हम इसको डी यूज करेंगे। सो दिस टाइप इज नोन एज रन टाइम, रन लेंथ एनकोडिंग। नेक्स्ट अगर हम एनकोडिंग की बात करें तो एक होती है थर्ड जो है द डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन में क्या है कि इन दिस मेथड फर्स्ट अ रेफरेंस सिंबल इज प्लेस्ड, मतलब हम इसमें एक रेफरेंस सिंबल को रिप्लेस करेंगे, देन एन ईच सिंबल इन द डेटा वी प्लेस द डिफरेंस बिटवीन दैट सिंबल एंड द रेफरेंस सिंबल यूज। फॉर एग्जाम्पल की बात हम करें, अगर मैं ये यूज किया, हमने फॉर एग्जाम्पल हम यही देखें, अगर यूजिंग सिंबल ए एज अ रेफरेंस सिंबल, मतलब यहाँ पे स्ट्रिंग जो थी मेरे पास AABBCDDD आई मेरे पास, तो हमने क्या किया फर्स्ट सिंबल को एक रेफरेंस सिंबल मान लिया। अब यहाँ पे हो सकता है अगर ए की जगह मान लो ZZ ले लेता मैं, तो हमारा पहला सिंबल जेड जो होता वो रेफरेंस सिंबल हो जाता, देन इट शुड बी एनकोडेड एज A000AOO-, फिर 1 2 3 3 3, सेंस ए इज सेम एज रेफरेंस सिंबल बी एंड बी हैज अ डिफरेंस ऑफ 1 फ्रॉम द रेफरेंस सिंबल एंड सो ऑन। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, बी क्या हो रहा है, ये को हमने अगर 0 माना है, बी हमारा 1 हो गया, सी हमारा 2 हो गया, डी हमारा 3 हो गया, क्यों, ए से प्लस 1 करोगे तो बी आता है, बी से प्लस 2 करोगे तो सी आता है, ए से प्लस 3 करोगे तो डी आएगा। तो यहां पे ए एक रेफरेंस सिंगल है, 3 बार 0 मतलब ए 0 0 0 आ गया, फिर हमारा पास 1 बढ़ गया मतलब बी आ गया, फिर हमारा बी के बाद सी आ गया, सी के बाद हमारा डी आ गया, 3 3 3, मीन्स दिस इज नोन एज अ डिफरेंस पल्स कोड मॉड्यूलेशन। हम इसमें एक पर्टिकुलर बिट या जो पहली बिट हमारी है उसको एक रेफरेंस सिंबल मानेंगे और देन वी इंक्रीज्ड सिक्वेंशियली। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।